आजगोडा के बोहरा में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन काली मंदिर के जनोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल हुए। कार्यक्रम 2 बजे का निर्धारित किया गया था। तय समय के साथ मुख्यमंत्री बोहरा पहुंचे और नवनिर्मित काली मंदिर में पूजा करने वाले पहले श्रद्धालु बने। उसके बाद मुख्यमंत्री बोहरा के काली मंदिर के सामने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रणाम किया और नवनिर्मित काली माता मंदिर के शिलापट का उद्घाटन किया। उसके बाद पुनः मंच पर आकर संबोधन कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां मुख्यमंत्री को माल्यार्पण और अंगवस्त्र प्रदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, फिर भी आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा किसी एक का नहीं होता है, यह सबों का होता है, तभी आप लोग सभी यहां पहुंचे हैं। यहां पहुंचे हुए हर लोगों पर माँ काली की कृपा बनी रहे। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि मैंने कुछ सनातन धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, जिससे यह पता चला है कि सभी धर्म एक ही हैं। जो समय समय पर जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो वह भगवान का अवतार लेकर सही दिशा में ले जाते हैं। वहीं पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि आज माँ काली माँ की प्रतिमा का अनावरण है और आलमगीर आलम साहब यहाँ पहुँचे हैं। यही तो भारत की पहचान है, यह उन लोगों पर तमाचा है जो इस देश को बांटना चाहते हैं। वहीं सरकार मंदिर मस्जिद को जब एक बताती है तो इन सवालों से मुख्यमंत्री पीछे हटते नजर आए कि राज्य में कई मंदिर ऐसी हैं जो राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं, पर राज्य में एक भी मस्जिद और चर्च ऐसी नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो। जब इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री जवाब से पीछे हटते नजर आए। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के आज बोहरा पंचायत में माँ काली के मंदिर उद्घाटन में यहाँ उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक प्रदीप यादव जी, हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री हमारे सहयोगी आलमगीर आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित महागामा पूर्व विधायक, हमारे साथ उपस्थित पार्टी के हमारे वासुदेव जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आसपास गांव से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन आज बस संक्षिप्त में यही कहेंगे, आज इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर व्यक्ति हर वर्ग के लिए होता है, अमीर गरीब सब के लिए होता है और मैं समझता हूं और इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन से श्रद्धा इनके प्रति रखता है।